आई लव यू। आई लव यू टू सिंगम। यार मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कभी कभी मुझे बहुत इनसिक्योरिटी महसूस होती है। क्यों होती है इतनी इनसिक्योरिटी? मेरे प्यार पे कभी शक मत करना अरमान। मैं तुमसे प्यार करती, सिर्फ तुमसे। तुम्हारे साथ खुशियों भरी जिंदगी बिताना चाहती और अपने आप को ऐसे हर्ट मत कर, गुस्सा करके, चिड़चिड़ा और इनसिक्योर फील करके। ना खाना खाया ना ऑफिस गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि हम साथ में खा सके। सॉरी अरमन, मुझे भूख। आई नो, आई एम सॉरी। मुझे समझना चाहिए था ना कि तुम रात भर सोई नहीं थी, काम कर रही थी। हाँ, सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया तो भूख तो लगी होगी ना। गुड गुड, तुमने खाना खा लिया टाइम पे। इतनी सी बात पहले नहीं समझ सकते थे? तो समझ गया ना। तुम भी तो मुझे पहले अच्छे से समझा सकती थी ना। तुम अजीब सा बिहेव कर रहे थे, जो मुंह में आया बोल रहे थे। I'm sorry यार। अच्छा मुझे ना, मुझे बहुत भूख लगी है। इसलिए तुम्हें बुलाने आई हूँ। मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनवाई है। अच्छा। मैंने तुम्हें एक बात तो बताई नहीं। क्या? जब तुम मैंडोलिन बजा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि तुम कोई अलग ही इंसान हो। इतने शांत, फोकस्ड, बहुत प्यारे लग रहे थे और मन कर रहा था कि तुम्हें और प्यार करूं। I love you too. ये बाहर किसने निकाला? पता नहीं वापस कैसे ले जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको गुस्सा आ रहा है ना? आपको जो करना है आप मुझ पे कीजिए। आपको मारना है मुझे मारिए, गुस्सा निकालना है मुझ पर निकालिए, जो करना है कीजिए। लेकिन प्लीज प्लीज मेरे साथ चलकर गाड़ी में बैठ जाइए। पहले तुम लोग प्रॉमिस करो मुझे मेरे पति से मिलाने लेके जाओगे। बोलो बोलो, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हाँ, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इन्हें ढूंढेंगे। अगर वो मिल जाते हैं तो आपको उनके पास मैं पक्का ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। तुम लोग ना मुझे घर लेकर गए ना अभी, और मेरे पति को नहीं ढूंढा ना। हाँ तो मैं ना घर जाके कुंडी लगा लूंगी। हाँ, उसके बाद ना मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, मनोज और दीपा को भी नहीं, मैं नहीं आने दूंगी। हाँ, और एक दिन मैं ना ऐसी भूखी मर जाऊंगी। बुआ ऐसे नहीं बोलते। नहीं, ओके, मैंने क्या कहा आपसे अभी? आपको प्रॉमिस किया है ना मैंने कि आपको घर नहीं लेकर जाऊंगा, आपके हस्बैंड के पास लेकर जाऊंगा। किया है ना प्रॉमिस? चलें? हाँ बुआ, चलते हैं ना। बाद में निम्मी को भी तो पिक करना है। हाँ, कल मेरी फ्लाइट भी, ज्यादा देर ना हो जाए, है ना? गुड मॉर्निंग, स्माइल। आइए बुआ, बैठिए। जब भी तुम गाती हो सोचो तुम अकेली हो, लेकिन दरअसल जब हम गाते हैं तो वो सबको सुनाने के लिए गाते हैं। मेघला, एक ना एक दिन तो तुम्हें सबके सामने गाना ही पड़ेगा ना। मैंने कितनी बार कहा है कि झिझको मत, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।